मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है, हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है, और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है, उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है।